मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 1 मार्च से फ्रेंचाइजी के तौर पर बिजली की जिम्मेदारी टोरेंट पावर लिमिटेड की है, मगर मुंब्रा स्टील कलवा में टोरेंट के बारे में लोगों के दिलों में काफ़ी दहशत है, जिसकी कई वजह बताया जा रहा है। जैसे कि मीटर फास्ट चलना, बिजली भुगतान ज़्यादा होना, मीटर लगाने के लिए 22,000 रुपये लगेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली का बिल समय पर नहीं भरने पर मामला दर्ज कर जेल भेज देना, झूठे बिजली चोरी के आरोप में जेल भेजना, ऐसे तमाम कई चीज़ों को टोरेंट के अधिकारी और PRO ने अफवाह बताया है। PRO चेतन का कहना है कि दरअसल सील मुंब्रा कलवा में कुछ लोग टोरेंट के बारे में जनता को गलत संदेश दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में टोरेंट के बारे में जो भ्रम है उसे दूर करना बेहद ज़रूरी है। PRO चेतन ने टोरेंट पावर का हेल्पलाइन नंबर भी दिया है। बिजली की किसी भी समस्या है या फिर और बिजली संबंधित कोई भी समस्या हो तो इस नंबर पर कॉल करें, ताकि आपकी समस्याओं को दूर किया जा सके। टोरेंट के अधिकारी और PRO चेतन ने साफ तौर पर बताया है कि टोरेंट पावर एक बेहतर सेवा देने का प्रयास करेगी। साथ ही ये भी कहा है कि MSB में जिन्होंने मीटर के लिए पैसे जमा किए हैं और उनके पास पैसे जमा करने की स्लिप है, तो वो लोग टोरेंट के कार्यालय पर वो स्लिप लेकर आए। अगर उनकी स्लिप सही पाई जाती है तो उन्हें मीटर दिया जाएगा। एक बात और है जो बता दें आपको कि पिछले 3 से 4 दिनों में जो बिजली की समस्या थी, लगातार बिजली शहर में काटी जा रही थी, उसके बारे में जानकारी देते हुए PRO ने बताया है कि कुछ लोग टोरेंट को बदनाम करने के लिए शहर में कई जगहों पर केबल को नुकसान पहुंचाया है, कई जगहों पर इलेक्ट्रिक बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की गई, यहां तक कि केबल पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये तस्वीर देखें। ये दीवा की टोरेंट के मुख्य केबल था, जहां मिट्टी का तेल डालकर इसे जला दिया गया, जिसकी वजह से बिजली की समस्या हुई थी। बहरहाल ये भी बताया है कि वर्करों की कमी थी, मगर अब वर्कर भी बढ़ा दिए गए हैं। अभी बहुत से केबल शहर में ऐसे हैं जो बेहद ही ख़राब हैं, उन्हें भी बदली किया जाएगा जल्द ही, और इस दौरान अगर बिजली की समस्या होती है तो लोगों से सहयोग करने की भी बात कही है। साथ ही ये भी कहा कि टोरेंट पावर जिम्मेदारी से काम करता है, ताकि कस्टमर को बेहतर सेवा दे सके। MSB में 200 यूनिट प्रति 4 रुपये लेती थी, और 200 यूनिट से पार होने पर लगभग 7 रुपये, और वही रेट टोरेंट का भी रहेगा, ऐसा जानकारी PRO ने दिया है। और मीटर फास्ट चलने की बात से भी इनकार किया है, कहा कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपको भुगतान करना होगा। बिजली चोरी के बारे में बताया कि कभी किसी पर झूठे बिजली चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मामला नहीं दर्ज कराया गया है। हमारे जांच में अगर कोई भी व्यक्ति बिजली चोरी किया है तभी उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। साथ ही PRO ने ये भी जानकारी दी कि किसी का बिल भुगतान यानी बिजली का बिल अगर दिए समय पर नहीं जमा करते हैं किसी कारणवश, तो वो आगे पीछे जमा कर सकते हैं। जिस तरह से बिल तय समय पर ना जमा कर पाने पर टोरेंट द्वारा कार्रवाई कर जेल भेजने की बात सामने आई थी, इस बात को पूरी तरह से PRO ने गलत बताया है। आपको बता दें कि टोरेंट पावर के PRO चेतन ने ये भी जानकारी दी है कि टोरेंट सरकारी मानकों के अनुसार ही काम करेगी, ताकि लोगों को बेहतर सेवा मिल सके। मीटर के 22,000 रुपये की बात को भी पूरी तरह से झूठ बताया है। साथ ही मीटर या फिर बिजली के बिल या फिर किसी बिजली के अन्य संबंधित जानकारी या शिकायत के लिए टोरेंट पावर द्वारा जारी किए गए नंबर पर संपर्क करें, या फिर टोरेंट के दफ्तर पर कर्मचारियों से मिलें, आपकी समस्या दूर की जाएगी, ऐसा टोरेंट के PRO चेतन ने जानकारी दी है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।